हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग ओंकारेश्वर महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बताती हूँ मैं आपको। तो अभी तो हम ऑन रूट ही हैं, निकले ही हैं घर से, ऑन रूट भी क्या है, अब ऑन रूट के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तो मैं आपको आज ओंकारेश्वर महाकालेश्वर के दर्शन कराऊंगी। मैं एंटर हो चुके हैं क्योंकि लास्ट जहाँ हम लोग रहते हैं निम्बाहेड़ा, वो लास्ट पड़ता है राजस्थान का, लास्ट शहर निम्बाहेड़ा ही है, बॉर्डर पड़ती है, मतलब निम्बाहेड़ा बॉर्डर पड़ती है। तो अब हम लोग एमपी में एंटर हो चुके हैं। तो मैंने बोला था ना, मैंने कहा छोटा छोटा वीडियो बताऊंगी मैं आपको, तो आगे चलते हैं वीडियो में। पूरे रास्ते में इतनी हरियाली है चारों तरफ के, अभी तो सावन का महीना है तो हरियाली होगी, लेकिन वैसे भी यहाँ पे हरियाली तो इधर खूब रहती है, हरियाली बहुत अच्छी है, इतने पेड़ पौधे हैं। हेलो गाइस, तो ये देखो हम रास्ते में जा रहे थे, हमको क्या दिखा, पवन चक्कियाँ दिखी बहुत सारी है, लेकिन ये तो हमारे बहुत ज़्यादा ही पास है, अब क्या करें, अभी तो हमको जल्दी जाना है वरना हम इसके पास जाते। एक बार हम पहले गए थे जब हम जोधपुर जा रहे थे, उस समय इसके पास खूब सारी लगी थी। हाँ, उस समय हम गए थे इनके पास, बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे बहुत छोटी, मतलब अभी तो नॉर्मली छोटी लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी है। हम खाना खाने के लिए यहाँ पे रुक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट भी तो ज़रूरी होता है ना। हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी और ये बहुत अच्छी होटल है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, मतलब हमको यहाँ बहुत भीड़ दिखी तो इसलिए हम आ गए। यहाँ चाट पानी पूरी मतलब सब है, ये देखिए कैसा लगा। तो चलिए हम आगे जब कंटिन्यू करते हैं। नदी है, नदी का नाम तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ से अच्छा भी लगा, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब जगह से कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, चंबल ज़्यादा तो पानी नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का पानी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग उज्जैन पहुँच चुके हैं, सब लोग, और ये है शिप्रा नदी। तो मैंने सोचा आप लोगों को शिप्रा नदी के दर्शन करवा देती हूँ। ये माता शिप्रा जी हैं, देखिए फ्रेंड्स चारों तरफ का व्यू। मम्मा देखो, उधर किसी ने शिवलिंग गिरा रखी है। ये हरिद्वार जैसा ही नजर आ है, हर जगह मंदिर है, वही चारों तरफ का व्यू देखिए आप। इसे बिल्कुल हम लोगों से पहले हरिद्वार गए हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे हरिद्वार जैसे व्यू है। ये भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ जगह जगह जैसे हरिद्वार में हर जगह मंदिर बने हुए ना, वैसे सेम यहाँ पे भी हर जगह मंदिर बने हुए हैं। साल में एक बार होता है, तो अभी 4 साल पहले हम लोग आके गए थे यहाँ पर। और ये शिप्रा नदी है, खूब अच्छा है शिप्रा नदी का भी, क्योंकि खूब सारी घाटी है यहाँ पर, आराम से नहाने की व्यवस्था है, सब लोग नहा रहे हैं। यहाँ हम लोग अभिषेक भी करा सकते हैं आराम से, हर छोटे छोटे मंदिर उसमें अभिषेक भी होता है आराम से, सब अपना कोई हवन करा रहा है, कोई अभिषेक करा रहा है। हर जगह 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 मंदिर है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। ये चित्रगुप्त जी का मंदिर है। तो हम लोग हर बार, मैंने बोला ही था वीडियो में कि हम चित्तौड़ जाते तो जरूर गायों को, तो यहाँ पे भी देखो हमको गायें मिल गई हैं। गौशाला तो नहीं बोल सकते हम लोग इनको, लेकिन गायें वगैरह हैं। तो मैंने सोचा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गाय वगैरह, तो इनको अब घास डालना है, हम चारा डाल रहे हैं गायों को। तो दोस्तों, ये है भारत माता मंदिर। अभी हम किसी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ से हम टिकट लेंगे और टिकट लेकर हम फिर दर्शन करने जाएंगे। ये है भारत माता टेंपल, भारत माता मंदिर। अरे वाह, यहाँ तो कुछ अपने स्टेट्स का वो भी बना रखा है, वो देखो शहर में पास जाकर देख। चलो पास, बहुत अच्छा लग रहा है। ये शायद स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, अंडर हो चुके हैं। यहाँ पे ये है फाउंटेन है, मतलब शेर सब है। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा है। अंडमान
कांची को कावेरी नदी विजय नगर, ये देखो कितना सही है। भारत माता मंदिर उज्जैन में है और जस्ट भारत माता मंदिर के बाहर भारत के नक्शा बना हुआ है, उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें सबका मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का कहाँ कहाँ स्थापित है वो ये सब कुछ उनका नाम दे रखा है। आपकी ये सब तरफ का व्यू है, भारत माता मंदिर यहीं पे है और इसके चारों तरफ का व्यू है, मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ। भारत माता मंदिर के जस्ट पीछे ये प्रतिमाएं बनी हुई है अलग अलग। तो फ्रेंड्स हम लोग अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, ये एंट्री गेट है मंदिर का। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद हम लोगों ने किया कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी उस दिन, इतनी भीड़ थी कि हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, तो हमने छोटा सा फ़ोटो ही लिया था भगवान के वहाँ का, तो मैं आपको आगे फ़ोटो में दिखाती हूँ।